सो जब से एलवी यादव ने अनाउंसमेंट की कि उनका ध्रुव राठी के ऊपर प्रॉपर रोस्ट वीडियो आ रहा है, तब से कमाल आर खान को खुजली सी हो गई है। जैसे कि जिस दिन एलवी यादव ने रिवील किया कि उनका ध्रुव राठी के ऊपर रोस्ट वीडियो आ रहा, उस टाइम से कमाल आर खान एलवी यादव को पोक करना स्टार्ट कर चुके हैं। और अभी यहाँ पे फिर से उन्होंने एलवी यादव को लेकर अपने वीडियोज में एलवी यादव को कुछ रिप्लाई किया। यादव उर्फ एलविश यादव उर्फ विश यादव के बारे में, ये तो आप सभी जानते हैं कि जहरीले सांपों का जहर बेचने का बिजनेस करता है, उसी विषय में ये जेल भी जा चुका है, ईडी का केस भी इस पर है, ईडी भी इसको जल्दी ही रेल बनाने वाली है, बस इलेक्शन खत्म हो जाने दो। तो अब ये बेचारा फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है, अब ये कुछ ऐसा करना चाहता है कि भाई बीजेपी वाले ये कहें कि नहीं यार ये लड़का अच्छा है, ये बीजेपी का सपोर्टर है, इसको अरेस्ट नहीं किया जाए। तो अब इस पांचवी फेल चोर क्रिमिनल ने कहा है कि मैं ध्रुव राठी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, दुनिया को बताऊंगा ध्रुव राठी की सच्चाई। लुखे जिसको अपने नाम की सच्चाई का नहीं पता, वो ध्रुव राठी की सच्चाई कैसे बताएगा। अबे तो गाइस इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हो, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से लिखिएगा। चलिए गाइस जब एलवी यादव की बात हुई गई तो बात कर लेते हैं कटारिया को लेकर। तो जैसे कि आप लोगों ने भी नोटिस किए होंगे, कटारिया ना तो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ना ही एलवी यादव के ब्लॉग में दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर वो इतने लंबे टाइम से गायब क्यों चल रहे हैं? तो इसी पे एलवी यादव ने अपने कल वाले स्नैपचैट स्टोरी में कुछ ये कहे, पूछते रहते हैं कि एलवी भाई अब कटारिया खुद भी ब्लॉग नहीं बनाता और आपके ब्लॉग्स में भी नहीं दिखता, बहुत गायब गायब सा रहता है। तो देखो भाई इसी से पूछ लो भाई, आप इतना गायब गायब क्यों रहते हो कटारिया जी? यार एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, सो आपको जल्दी मिलेगा वो सरप्राइज, बहुत बड़ी चीज। ये मेरे ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे शायद से कटारिया का कुछ बड़ा आने वाला है, मे बी बिग बॉस ओटीटी में जाने वाले हैं। कंफर्म न्यूज तो नहीं है बट ऐसा रूमर्स आ रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इस पे आप लोग का अपना क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार फिलहाल इतना ही अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।